रायपुर से निकला हूँ करीब 4:30 बजे और ये देखो फॉग का नज़ारा। इतना फॉग है कि जहाँ मैं बिलासपुर पहुँचता हूँ रायपुर से 1.5 से 2 घंटे में, वहाँ पर मुझे लग गया 3 घंटा, 3.5 घंटा। मतलब दिमाग ख़राब हो गया मेरा। पूरे रास्ते में रुकते रुकते आया हूँ और मेरा दिमाग लिटरली ख़राब हो गया। देखो आगे फॉग का हालत क्या है, और बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा। अभी थोड़ा सा उजाला हुआ है इसलिए थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी मुझे नहीं पता कैमरा में आपको कितना दूर विजिबिलिटी होगा। आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है वैसे भी, और मैं पूरा लिटरली पूरा गीला हो चुका हूँ, पूरा गीला हो चुका हूँ। और जो हालत है ना, रोड तो अच्छा है इसलिए दिक्कत नहीं है, बट ये फॉग की वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि वेदर, अगर डाइवर्शन भी है रोड पे तो मुझे दिक्कत हो सकती है। मैं रुक रुक के आ रहा हूँ, और पीछे से जो ओवरटेक कर रही हैं गाड़ियाँ, वो पता नहीं किस कॉन्फिडेंस से चला रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। और मैं अभी 6:30 हो गया है बिलासपुर में। बाय द वे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आज जा रहा हूँ लखनऊ, वैसे मेरा ट्रिप लखनऊ तक का है और बीच में मैं बनारस में ब्रेक लूँगा। आपने पिछला वीडियो देखा होगा, पिछले वीडियो में मैं बनारस गया था। रतनपुर पहुंच चुका हूं और रतनपुर अभी रोड यहाँ शॉर्टकट मार लेते हैं। अब ऐसे ये रोड है और रतनपुर क्रॉस करेंगे अभी, और सिंगल रोड आ गया है, फोर लेन रोड ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से सीधा आज मैं एक नए रूट से जाने वाला हूँ। नए रूट से मतलब इस रूट में मैं बहुत पहले 2014 में गया था मैं और उस समय रोड मुझे बहुत अच्छा रोड लगा था, और पिछले बार भी मैंने कोशिश किया था इसी रोड से जाने का, बट कंस्ट्रक्शन की वजह से मैं जा नहीं पाया। और कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। अभी मैं जिस रूट से जाऊंगा वो है अमरकंटक होते हुए, अमरकंटक का जो हिल है वो होते हुए आगे thank you.
अभी का जो मेरा रूट है वो मैं चिरमिरी घाटी होते हुए जाऊंगा। चिरमिरी घाटी बहुत एक मतलब बहुत सुंदर सा घाटी है, आप आएंगे यहाँ पे तो पता चलेगा कितना सुंदर घाटी है। हालांकि मैं काफ़ी दिनों बाद जाऊंगा इस रूट से, देखते हैं क्या कैसा रोड कंस्ट्रक्शन या रोड की कंडीशन है। मुझे लगता है कि अच्छा हो ही गया होगा। और वहाँ से होते हुए मैं सीधा अंबिकापुर में नहीं जाऊँगा, मैं सीधा रॉबर्ट्सगंज होते हुए और रेणुकूट रॉबर्ट्सगंज होते हुए मैं यूपी में एंटर करूँगा। और देखते हैं, चलिए आगे का सफ़र बहुत मज़ेदार होने वाला है। और मैं इस रूट को क्यों मैंने डिसाइड किया, इस रूट में क्यों मैं जाऊँगा, मैं ये भी बताऊँगा मैं आपको। तो फ्रेंड्स, यही वो जगह है जहाँ पर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी और डिसीज़न थोड़ा सा गलत हो गया। डिसीज़न गलत क्या हो गया, ये जो आप रूट देख रहे हैं ना, ये जो रूट है ये देखिए, मैं यहाँ से अभी राइट टर्न लूँगा। फ़िलहाल लास्ट टाइम अपने लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने राइट टर्न लिया तो था, मैं थोड़ी दूर आके मैं कम से कम 100 मीटर्स गया होऊंगा आगे, यहाँ से 100 मीटर्स जाके मैं लोकल्स, क्योंकि रोड ख़राब था तो मैंने लोकल से पूछा तो उन्होंने बोला यहाँ से रूट है नहीं जाने का, पूरा कीचड़ है, मुझे संभल के जाना पड़ेगा, धूल ना उड़े इसलिए यहाँ पानी डाला गया है। देखिए बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा कि गिरने का डर है। तो ये बस थोड़ा सा और आगे जाके मैं आपको बताता हूँ, बस यहीं पे, यहीं से मैं वापस चला गया था, यही वो जगह है जहाँ से मैं वापस गया था। आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे रायपुर टू बनारस का, तो उसमें आपको पता चलेगा मैं यहाँ से वापस चला गया था, क्योंकि रोड जो अभी जो कंडीशन है, जो रफ़ कंडीशन है, उससे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन था पिछली बार, और मैं यहाँ से वापस चला गया था लोकल से पूछकर। और बहुत ही ख़राब रूट मैंने
ख़राब रूट तो नहीं बोलूँगा, बहुत लॉन्ग रूट मैंने पकड़ लिया था। पूरा अनूपपुर शहडोल होकर मैं सीधी मऊगंज होते हुए मिर्ज़ापुर होते हुए फिर बनारस में एंटर किया था मैं, तो आप समझ सकते हैं मेरे लिए कितना ही हैक्टिक हो गया था। और पूरा रात भर में जंगल में मैंने बाइक चलाई थी। अभी जो रूट मैंने लिया है ना फ्रेंड्स, ये मैं बिलीव नहीं करेंगे, ये मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ आप लोगों से, आप ही लोगों में से कोई एक सब्सक्राइबर है मेरे भाई, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि यही रोड पे आप बने रहिए। और ये रोड ज़्यादा नहीं, 6-7 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके बाद रोड बहुत अच्छा है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी तो मुझे पता नहीं है किसने बोला है, मुझे कमेंट में लिखा था, और मैं उन्हीं के बोलने से, मैं उन्हीं के एडवाइस से मैं इस रास्ते को मैंने डिसाइड किया है। तो देखते हैं, मुझे पता है, मुझे आप लोगों को पूरा विश्वास है कि आप लोग गलत नहीं बोलेंगे, तो चलते हैं। और मैं वेट कर रहा हूँ 6 से 10 किलोमीटर का। ये रूट है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, लेकिन मुझे पता है कि रूट अगले 1 साल में इतना बढ़िया शानदार हो जाएगा कि मतलब मज़ा आने वाला है इस रूट पे। इसलिए थोड़ा तो हमको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ। चलिए चलते हैं आगे। ये रोड बिल्कुल गांव के अंदर से जा रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ के जो गांव के घरों के बनावट हैं वो बहुत ही मज़ेदार हैं। रोड थोड़ा सा मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को फील नहीं हो रहा क्योंकि इतना भैया चिरमिली जाता है ना, चिरमिली मेरे को जाना वाड्रप नगर, हाँ जाएगा ना यहाँ जाओगे आपको माड़ी माड़ी सीधा मरवाई रोड पकड़ना। अच्छा कितना दूर होगा यहाँ से वाड्रप नगर? 85 किलोमीटर है। अच्छा यहाँ का देखिए, घरों के बीच मतलब बीच में से जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे निकला हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बस घर से निकला हूँ, बस यहाँ से गांव से गुजर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मतलब रोड का जो ये जो टूटा फूटा जो रोड है ना, ये बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं फील हो रहा मुझे। फ्रेंड्स हम लोग बिल्कुल टकाटक रोड पे आ चुके हैं। ज़्यादा नहीं था, हार्डली 10 किलोमीटर्स का पैच था जो कि डिस्टर्ब था, और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ क्योंकि इतना सीनिक व्यू, गांव के घर और गांव के बीच में से आना इतना मज़ेदार था कि मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ वो चीज़ का। अभी ये बहुत मज़ेदार रोड मिला है, बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे, तो चलिए एंजॉय करते हैं। यहाँ से मैं चिरमिरी होते हुए बैकंठपुर होते हुए प्रतापपुर से फिर मैं वाड्रफ नगर और फिर छत्तीसगढ़ और यूपी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैं रेणुकूट देन रॉबर्ट्सगंज क्रॉस करूंगा, उसके बाद पहुंचेंगे वाराणसी। मुझे लगता है रात तो हो ही जाएगा लेकिन उतनी थकावट नहीं होगी मुझे लगता है। फ्रेंड्स चिरमिरी घाटी बहुत मज़ेदार है,
बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा लगा मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे। अगर आप लोग आते हैं ना, टाइम लेके आइए और इस पूरे घाटी का मज़ा लीजिए। बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार, बहुत ही सीनिक व्यू, इतना ज़बरदस्त है इसका, बहुत ही अच्छा है। इससे पहले जो मैं घाटी गया था, मैं इसके पहले अपने वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए, अरकू वैली गया था। वो वैली भी मतलब अपने आप में एक सुंदरता है। और ये वैली भी एक अलग ही मज़ेदार है, अलग ही मज़ा है इसमें, इस वैली का। अभी हम लोग थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ और यूपी बॉर्डर में पहुंचने वाले हैं। ये तो छत्तीसगढ़ में है मैं अभी, और थोड़ी देर में हम लोग छत्तीसगढ़ और यूपी बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। हाँ, वो बॉर्डर नज़र आ रहा है आपको, वो बोर्ड नज़र आ रहा है, वो बोर्ड जो है ये छत्तीसगढ़ और यूपी का बॉर्डर है। और हम बॉर्डर पे आ चुके हैं, देखिए क्या बोर्ड, तो हालत ख़राब है। आगे मिट्टी के ऐसा कवर किया हुआ, जा सकते हैं ना? हाँ, साइड से शायद जा सकते हैं, हम साइड से चलेंगे। मैं जहाँ खड़ा हूँ वो है छत्तीसगढ़ और उस यूपी। ये जो बाइक आ रही है ये यूपी से आ रही है, और अभी हम छत्तीसगढ़ में हैं। अभी मैं यूपी में एंटर कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मैं यूपी में एंटर कर चुका हूँ। ये यूपी के रोड है। कितना अच्छा लगता है ना, एक जगह से, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब हम क्रॉस करते हैं तो एक अलग ही फीलिंग आती है। धीरे धीरे पूरा वेजिटेशन चेंज हो जाता है, पूरा नेचर का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है, पूरा सीन चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधे चेंज हो जाते हैं, लोगों की बोली चेंज हो जाती है, कल्चर चेंज हो जाता है ना? तो कितना अच्छा लगता है, एक कल्चर दूसरे कल्चर, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना? छत्तीसगढ़ का अपना कल्चर है, फिर यूपी का अपना कल्चर है। मैं इस रूट में ना कम से कम मैं 4-5 स्टेट कवर करने वाला हूँ। आगे आपको पूरे इसमें पता चलेगा। मेरे आगे जो आ रही है ना, बहुत बड़े बुलडोजर का ये बॉडी जा रही है, और मैंने इसी के आगे देखा है बड़े बड़े, भाई साहब बड़े बड़े चक्के, इतने बड़े बड़े चक्के, बड़े बड़े ट्रॉली में सिर्फ मुश्किल से 6 चक्के होंगे, तो इतने बड़े बड़े चक्के हैं। मतलब हमारी साइज का ना, मतलब 10 लोगों के बराबर हो, एक एक चक्का होगा। अभी ये यूपी के सड़कें हैं, शाम हो चुकी है। अभी मैं रेणुकूट यहाँ से कम 50 किलोमीटर है, और फिर चलिए एंजॉय करते हैं। वैसे भी थोड़ा सा डार्क होने के बाद मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगा, इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर सकता हूँ। चलिए मज़ा लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सब सोचते होंगे कि मैं कहीं रुक के खाने के बारे में क्यों नहीं दिखाता हूँ, क्या मैं रास्ते में खाता नहीं हूँ क्या? अरे भाई, खाता हूँ, मुझे भी भूख लगती है, बट उतना टाइम नहीं होता कि मैं वो सब दिखा सकूँ। हालांकि मैं किसी ढाबे में नहीं रुकता हूँ। जब पहला दिन और दूसरा दिन होता है तो उसका खाना मेरे पास पूरा होता है, और वो भी घर का बना हुआ। मेरी वाइफ बड़े प्यार से खाना बना के देती है, और वो 2 दिन तक रह जाता है। मतलब इतना अच्छी तरह बनता है खाना कि 2 दिन तक ख़राब नहीं होता। और पूरे पार्ट पार्ट में मैं कभी आपको दिखाऊंगा
कि किस तरह से पार्ट पार्ट में खाना होता है, जिससे सुबह का अलग पैक किया जाता है, दोपहर का अलग पैक किया जाता है, शाम का अलग, रात का अलग, तो अलग अलग पार्ट में वो सब डिवाइड करके मुझे दिया जाता है ताकि वो खाना ख़राब ना हो। और जिस टाइम का है खाना उसी टाइम का मैं लेता हूँ, खोलता हूँ और उसके साथ नेक्स्ट जो बंडल है वो मैं टच नहीं करता हूँ, तो उससे खाना ख़राब नहीं होता है। एटलीस्ट मेरे पास 1 से 2 दिन का खाना मेरे पास आराम से रहता है। तो कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं बाहर ना खाऊं, जितना होता है कोशिश करता हूँ। हाँ, जब लॉन्ग जर्नी हो जाता है, जैसे इस बार होने वाला है, आज और कल का खाना तो मेरे पास है लेकिन उसके बाद का खाना नहीं है, उसके बाद मैं फिर मुझे कहीं पे खाना पड़ेगा बाहर, तो उसके बारे में भी मैं आपको कभी दिखाऊंगा कि किस तरह से पैकिंग करता हूँ मैं खाना, किस तरह से लेके जाते हैं। और इसी तरह मेरी मम्मी भी होती है, तो वो भी बहुत प्यार से खाना इस तरह से बनाती है कि खाना ख़राब नहीं होता है, तो उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कभी। और अभी मैंने ब्रेक लिया था, छोटा सा एक चाय टी ब्रेक लिया था, तो बस हो गया है। अभी सीधा चलते हैं, रास्ते में कुछ खाएंगे, फिर रुक के मैं कुछ खाऊंगा, और बस थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, उसके बाद तो शायद मैं आपको कुछ दिखा ना पाऊँ, फिर मैं आपको सीधा बनारस में मिलूँगा, कल आपसे बात करूँगा मैं फिर। ओके फ्रेंड्स, अंधेरा हो चुका है और विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, मैं क्या आपको अंधेरा फिर रोड का ही सीन दिखाऊंगा, और विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ एक्स्ट्रा और कुछ बता पाऊँ। तो यहाँ से बनारस 100 किलोमीटर्स और है, और जो कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी पहुँच जाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं 8 बजे मैं बनारस पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और फिर कल मिलेंगे बनारस से लखनऊ के रूट में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।